जब 25 और 26 मार्च 1971 की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश की अलहदगी की जंग सही मायनों में शुरू हुई। 16 दिसंबर सुकूत ढाका अचानक वारिद नहीं हुआ, बल्कि कयाम पाकिस्तान के साथ ही उसके लिए रेशा दवानियां शुरू हो गई थी। भारत ने बांग्लादेश के बाज़ अलहदगी पसंदों को भरपूर सपोर्ट किया और भारतीय फौज 3 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल हो गई। मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनके फौजी दस्तों में पेशकदमी शुरू की और इंडियन फिजाइया ने भी हवाई हमलों का आगाज कर दिया। यूं 9 माह तक जारी रहने के बाद ये जंग बांग्लादेश की आज़ादी पर ख़त्म हुई। आज मैं बहुत रंजिता हूँ, यकीन करें मेरा दिल शीशा दिल चूर चूर है, मेरी आँखें अशुपार हैं। उसकी वजह है कि आज 16 दिसंबर है, सान है मशरकी पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक साजिश के तहत दोलख्त किया गया और उसके बावजूद, दोलख्त होने के बावजूद लोग ये समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान दोलख्त क्यों हुआ। बैनुल अक्वामी साजिश तो थी, लेकिन अंदरूनी तौर पे बंगालियों का किरदार पे हमेशा नुक्ताचीनी होती रही है कि इन्होंने आज़ादगी मांगी और अलहदा हो गए हिंदुस्तान के साथ मिलकर। जब मुत्तहिदा पाकिस्तान, जो कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत था, वजूद में आया तो मशरकी पाकिस्तान की आबादी 53% थी, यानी वो अक्सरियत में थे। बंगाली ने मुस्लिम लीग को जन्म दिया, नवाब सर सलीमुल्लाह इसके बानी थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने तहरीक पाकिस्तान में 1946 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हक पर वोट दिया। बंगाल में एक सियासी जमातें नहीं थी, 8 सियासी जमातें थी, मुस्लिम लीग, अवामी लीग, NDF, NAP, जमात इस्लामी, निज़ाम इस्लामी। उस वक्त इतनी तादाद में जमातें नहीं थी जितने अब आज हैं। 9 जमातें हैं, उसमें सिर्फ वाहिद अवामी लीग है जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया जाता और वफाक में उन्हें इसी तनासुब से नुमाइंदगी दी जाती। नाम आपको गिनवा सकता हूँ, नूरुल अमीन साहब, महमूद अली साहब, फजल कादर चौधरी साहब जो पाकिस्तान के स्पीकर भी रहे, अब्दुल जब्बार खान, सबूर खान, मौलवी फरीद अहमद, इन्होंने सब ने आर्मी एक्शन के बाद भी अमन कमेटी वहाँ बनाई, अलबदर अल शम्स तंजीम बनाई और अफवाज पाकिस्तान को जो 9 महीने मदद हुई वो इन बंगाली रजाकारों को। बिहारियों ने भी मदद की, लेकिन बंगाली ने पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। मैं इस हवाले से तफसील में नहीं जाऊँगा, मशरकी पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, कौन इस सानहे का जिम्मेदार है, इन हालात और वाकयात की तफसील आपको किसी भी गैर जानिबदार मौरख की तसनीफ से मिल जाएगी। 1971 में के बाद मुक्ति वाहिनी, मैं तो अवामी लीग कहूँगा, बंगाली नहीं कहूँगा, उन्होंने मौलवी फरीद अहमद के दाढ़ी को माचिस से जलाया, उनके जिस्म को सिगरेट के राख से दागा, लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो बंगाली था, निज़ाम इस्लामी का सदर, वो कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहते हुए शहीद हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि सुकूत ढाका अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके खिलाफ रेशा दवानियाँ कयाम पाकिस्तान के वक्त से ही शुरू हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे निसाब में इस अलमनाक किस्से की दास्तान बयान करते हुए बताया जाता है कि काश हम एक मुल्क में होते, ताहम ये बताना किसी ने गवारा न किया कि इस मुल्क की मोहब्बत में हिजरत करके आने वाले और मुक्ति बाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का साथ देने वाले बंगाली आज पाकिस्तान में किन हालात में हैं।
मैं आपको बंगाली जो नज़रियाती बंगाली है जो हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने 1971 के बाद परेशान होकर बर्मा के रूप से या बॉर्डर से यहाँ पर आए। वो कह समझते और कहते थे कि हम पाकिस्तान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं है, एक तस्वुर का नाम है, एक नज़रिए का नाम है। इस नज़रिए के खातिर हम इस सरजमीन में बसना चाहते हैं, और वो आके यहाँ मुख्तलिफ जगह में बस गए। 50 साल कबल अलहदगी का जख्म खाने वाले बंगाली, जो शायद इन पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं कि जिनके अजदाद ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। 65 में मैं मुंतकिल हुआ कराची शहर में, 65 में। तो उसके बाद जो 71 का दौर आया तो वो तो गए मशरक के पास, गए हम इधर ही रह गए, कराची में रह गए। बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान के कयाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अब मसला आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो पर सरदार है शिनाख्ती कार्ड देने का। पहले मरहले पे जो भी अप्लाई करता था उसे शिनाख्ती कार्ड मिल जाता था बड़ी आसानी से, रहाइश, गैस, टेलीफोन बिल वगैरह दिखाकर वो शिनाख्ती कार्ड दे। बाद में ये मैंने तुक से कह रहा हूँ, सिंध के जो एक्सट्रीमिस्ट जी सही और भी जस्कम, इन्होंने ये इतराज़ उठाया कि इनको कार्ड क्यों मिला, इनको मिलना नहीं चाहिए, एलियन। जबकि करारदादे पाकिस्तान पेश करने वाले शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक का ताल्लुक भी बंगाल से था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंगाली अपने महबूब वतन में किस बदहाली का शिकार हैं, इसकी मंजरकशी भी दिल दहला देती है। अब मैं तो बड़ा कहूँगा, ये मेरा कसूर है, जो शिनाख्ती कार्ड बनाया उनकी बात, उसके बाद देखा मेरा शिनाख्ती कार्ड मेरे पूरा फैमिली का जो है ना। 50 साल बाद भी खुद को आजाद और जमहूरी कहने वाले पाकिस्तान में बंगाली कम्युनिटी के अफराद की एक कसीर तादाद सिटीजनशिप, शनाख्त, सोशल इंटीग्रेशन के बुनियादी हक से महरूम है। कराची में इस वक्त 104 मोहल्ले हैं, यहाँ बंगाली आबाद है। इलेक्शन में ये हिस्सा लेते थे, वोट डालते थे, लेकिन ये सिलसिला 92 या 90 पे बंद हो गया है और शनाख्ती कार्ड जो इनके थे वो ब्लॉक कर दिए, जिसके बायस ना तो उनकी तालीम मुकम्मल हो पाती है और ना ही उन्हें मुलाजमत मिलती है। यहाँ तक कि किसी बीमारी की सूरत में उनको अस्पतालों में दाखिल भी नहीं किया जाता। और से मसाइल बिल्कुल तालीम का, कि जब मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इनको आसानी से दाखिला नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ नस्ल परस्ती का मामला है, वो बंगाली समझते कि यहाँ के बाशिंदे नहीं है। पाकिस्तान में 3 नस्लों से मौजूद ये बंगाली आज भी अपनी शनाख्त से महरूम हैं। सन 86 में उस जमाने में झोपड़ी था, सब झोपड़ी था कच्चा। तो सन 86 में आग लग गई थी। आग लगने के बाद हमारे को पासपोर्ट था, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट था, कागजात, पाकिस्तानी दस्तावेजात मुकम्मल था। तो आग लगने के बाद सारे कुछ जल गई। आज 8 साल हुआ, मैंने नादरा दफ्तर में रब्ता की, 8 साल हुआ अभी, 8 साल नादरा दफ्तर में हमारे पूरे बच्चों को सबको लेकर गई, बयान दे दिया, उन्होंने जो जो पूछा हमने सारे बता दिया। फिर आखिर डीसी से ये जवाब मिला कि बन जाएगा, अपला का जो कोएफ है यानी दस्तावेज जो है ना मुकम्मल है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, मिल जाएगा, करते 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 4-5 साल तक घुमा रहे। बांग्लादेश को पाकिस्तान के बाजू से ताबीर किया गया, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली वो हैं कि जिनको अलहदगी के बाद ना तो बांग्लादेश ने अपनाया और ना ही पाकिस्तान में।
अभी हमारे घर का खाना पीना ऐसा है, अभी बेटी ऐसा काम पे गई दो दिन तक बुखार पड़ा हुआ है कि खड़े खड़े पूरा 8 घंटा मेरे बेटे को देख देख कमज़ोर है, फिर भी वो काम के लिए गई। इधर करोजला आके इनको गालियाँ दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो देख देख कर मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे को नहीं है, कोई जरिया भी नहीं है, अब वो कर्ज दें या पेट में खाए, ऐसे हाल में हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफाजत करे, अल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमने क्या देखा पाकिस्तान में, क्या हो गया ये गरीबों का। वो लोग जो हर 16 दिसंबर को मुल्क से बांग्लादेश को अलग होने का मातम मना रहे होते हैं, उन्होंने इस कटे बाजू के लटके हुए लोथड़ों का इलाज तो ना किया, बल्कि गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। गुजरनाला के मुतासरीन से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासर हुई है, उनके मकान टूटे और बेघर हो गए, मगर हकीकत तो ये है कि जो मुआवजा उनको दिया गया वो इंतहाई कलील है, जिससे उनका घर बनना मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं कि उसके घर बन। एक माकूल एक छोटी सी रकम थी 2 से 2.5 लाख रुपए जो लोगों को दी गई, जबकि लाखों और करोड़ों रुपए की मालियत के मकान तोड़े गए। एक जानिब 4 लाख सच्चे मुहिब्बे वतन बंगाली हैं और दूसरी जानिब तकरीबन 50 लाख अफगानी हैं, जिनमें से तकरीबन 40 लाख अफगानी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके न सिर्फ खैबर से कराची तक कारोबार फैले हुए हैं, बल्कि उनके पास जाली कागजात के जरिए नादरा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद उन मुतासरीन की है जिनको वो रकम भी मौसूल नहीं हुई, नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास कौमी शिनाख्ती कार्ड नहीं था। कौमी शिनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है ही है, तो वो ये गुजरनाला के उसमें भी मुतासिर हुए कि उनको वो रकम नहीं मिली। जिन लोगों के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है और शिनाख्ती कार्ड जारी नहीं किए जा रहे, जबकि वो एक अरसे से यहाँ आबाद है, उनकी 2-3 नस्लें यहाँ आ चुकी है, 2-3 नस्लें यहाँ पैदा हो चुकी है। अब वो बंगाली बेचारे, वो उनके पास शिनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो तालीम से महरूम है, रोज़गार से महरूम है और इलाज व मालिज से महरूम है, हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। जो सहूलियात एक शहरी को हासिल होनी चाहिए वो सहूलियात बंगालियों को नहीं मिल रही है, और जहाँ ये तमाम परेशानी अपनी जगह पर थी तो दरमियान में ये जो वाक़या पेश आया ये गुजरनाला का, इसमें भी फिर वही लोग जब उनके मकान टूटे तो जो मुआवजा दिया गया कम ही थे, मगर वो मुआवजा भी उनको नहीं मिले, क्योंकि उसके लिए बैंक अकाउंट लाजमी था और बैंक अकाउंट शिनाख्ती कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुतासिर हैं, इनके हल निकाला जाए। हुकूमत देखे, एक वक्त गुजर चुका है, आज 85 साल है आज सुकूत ढाका के, 50 साल में कितने लोग दुनिया से चले गए, एक नस्ल पैदा होकर बूढ़े हो गए और बच्चे जवान हो गए, उसके बावजूद वो परेशानी के दलदल में फंसे हुए, वो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत को एक मरतबा सोच कर जो है उनको कौमी धारे में शामिल कर लेना चाहिए और फिर जो है उनको वो तमाम सहूलियात देनी चाहिए जो सहूलियात एक शहरी का। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में 30 से 32 लाख बंगाली आबाद हैं कराची में, जिसमें से बच्चों की अगर हम बात करें तो एक अंडर 18 जो है वो तकरीबन 15 से 16 लाख होंगे, और बाकी जो है तकरीबन 15-16 लाख जो है वो बड़े यकीनन अंडर 18 के बाद की है। उसमें से भी अब मेरे ख्याल से एक अंदाजे के मुताबिक यूँ समझे कि 6 लाख बंगाली ऐसे होंगे जो शिनाख्ती कार्ड की वजह से
براہ راست متاثر ہے. ایک بندے اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو پورا فیملی کا نہیں ہوتا, پورا ایک سسٹم ہے یہ, اور پوری پوری فیملی متاثر ہے. اچھی جگہ جاب نہیں کر سکتے, اچھی جگہ علاج نہیں کر سکتے. احساس پروگرام وغیرہ جو حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے جو پروگرام وغیرہ کا اعلان کیا, کسی پروگرام سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور وجہ صرف ایک شناختی کارڈ. یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں موجود بنگالیوں کی شناخت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور انہیں بطور پاکستانی شناخت کے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے.